नमस्कार दोस्तों, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मुहिबुल्लापुर स्टेशन से। और चूंकि मानसून का सीजन चल रहा है तो एक झलक मुहिबुल्लापुर स्टेशन की, काफ़ी दिनों के बाद हम यहां पर आए हैं और बारिश के समय कैसा नज़ारा है, कैसा दिखता है मुहिबुल्लापुर स्टेशन। यहां पर दो रेक खड़े हुए हैं, उनको हम आपको दिखाएंगे। इससे पहले हम बात को आगे बढ़ाएं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं ट्रेन एंड ट्रेवल पर वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी है ट्रेन एंड ट्रेवल, वहाँ पर हम आपको मिल जाएंगे, तो आप हमको वहाँ पर भी ऐड कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। मुहिबुल्लापुर स्टेशन आने का मेरा मेन मकसद जो था, मुख्य उद्देश्य वो ये था कि क्या नया टाइम टेबल आ गया है और क्या रेलगाड़ियां कुछ नई बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं, इसकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आया था। पर अभी कुछ पता नहीं चल पाया है और सभी असमंजस में हैं। बारिश आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हो रही है। तो जैसा मैंने यहाँ पर पूछताछ की तो अभी कुछ तय नहीं है कि क्या नया टाइम टेबल आया है, क्योंकि इनके पास कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है। ये देखिए यहाँ पर रेक खड़ा हुआ है और मूसलाधार बारिश, मॉनसून मैजिक। जब भी बारिश होती है तो बड़ा खूबसूरत सा समा हो जाता है, तो एक छोटा सा वीडियो कैप्चर करने की हमने कोशिश की और जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी नया टाइम टेबल उससे संबंधित तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, विशेषकर मेमू रेलगाड़ियों को लेकर के। अभी यहां पर जो बैठे थे उनसे मेरी जो बात हुई वो यही कह रहे थे कि अभी 12 अगस्त तक तो जब तक तो कुछ होगा नहीं, उसके बाद सामान्य अगर स्थिति होगी कुछ तो फिर पता चलेगा किस प्रकार से रेलगाड़ियाँ चलेंगी, लेकिन अभी सब मुश्किल दिख रहा है। तो आप भी चलिए बारिश का मज़ा लीजिए, मॉनसून का, बारिश की फुहारों का आनंद लें इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी हर स्टेशन पर रेक खड़े हुए हैं पार्किंग के लिए, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो रही है, रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं जैसा आपको पता है। ये पैदल पुल से नज़ारा, बारिश की फुहारें और हवा जो चल रही है इससे बहुत बढ़िया मौसम हो गया है। मैं काफ़ी टाइम बाद यहां पर आया हूं आज मुहिबुल्लापुर स्टेशन पर, लेकिन अभी कुछ भी टाइम टेबल का या ट्रेन से संबंधित जानकारी नहीं पता चल पाई है और जैसे ही पता चलेगी हम आप तक बिल्कुल पहुँचाएँगे। तो आप बारिश का मज़ा लीजिए, तो यहाँ ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि रेक्स की यहाँ पर जो पार्किंग है किस प्रकार से खड़े हुए हैं और जो बीच का रन थ्रू ट्रैक है वही बस खाली है जिससे मालगाड़ियाँ निकल रही हैं सीतापुर की दिशा में या सीतापुर की दिशा से जो आ रही हैं ऐशबाग होते आगे जाने के लिए, सिर्फ मालगाड़ियाँ चल रही हैं और ट्रेन से संबंधित अभी कोई भी सूचना नहीं मिल पाई है मुहिबुल्लापुर स्टेशन पर। बारिश हो रही है जैसा आप देख सकते हैं, तो बस बारिश का थोड़ा सा मज़ा लेने हम आ पहुंचे थे आज स्टेशन पर, मास्क लगा करके, पूरी एहतियात बरती जा रही है। तो जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी हम आप तक बिल्कुल उसको पहुंचाएंगे।